फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी के बारे में। सो फ्रेंड, बात करते हैं नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन में जो है, ये जो वैकेंसी है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका एक साल का इनिशियली रखा गया है। देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको ये जो है एक्सटेंडेबल है, तो एक्सटेंडेबल डिपेंड करता है कितना साल तक जो है आपका प्रोजेक्ट चलता है। तो लोकेशन की बात किया जाए यहाँ पे, तो आपका NPCIL कोटा में जो है इसकी जॉब लोकेशन, और डलहौजी जम्मू कश्मीर नरोरा और दिल्ली में जो है इसका जॉब लोकेशन होगा। और इसी जो है वॉक इन इंटरव्यू है, तो वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उसके लिए 24 अगस्त को जो है इसका वॉक इन होगा, और जो 25 अगस्त को जो है इसका जो है रिटन टेस्ट होगा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और जूनियर आर्टिशियन के लिए। तो ये अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की दिखा देता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। तो देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है काफ़ी कम है। अगर टेक्निकल ऑफिसर्स की बात किया जाए तो 4 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। सैलरी जो है इसमें 23,000 है, और एज लिमिट जो है 30 जो है 30 ईयर जो है मैक्सिमम है। और दूसरी जो पोस्ट है इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स जो NPCIL प्लांट कोटा में है उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एक है, 23,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है, ये जितनी भी पोस्ट हैं सारों में, जितने सब में जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है। और ये जो एक्सपीरियंस है आपका एक साल का मिनिमम होना चाहिए। तो मैं अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे पोस्ट वन की बात किया जाए जो टेक्निकल ऑफिसर्स की थी, उसमें जो है आपका डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस में 60% होना चाहिए जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए जो है 55% रिक्वायरमेंट है, और एक साल का इसमें जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और जो एक्सपीरियंस है वो आपका RF कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन पोस्ट टू की बात किया जाए, तो पोस्ट टू में जो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक भी 60% जनरल्स कैटेगरी के लिए है, और जो 55% है वो आपका SC ST कैंडिडेट के लिए है। तो ये सारी पोस्ट में जो है एक्सपीरियंस मांग रखा है। पोस्ट टू कोड में जो है हार्डवेयर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्किंग, ट्रबल शूटिंग ऑफ ISA एंड PCI बेस्ड एड ऑन कार्ड, इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस मांग रखा है। देन जो तीसरी पोस्ट है उसमें डिप्लोमा मांग रखा है, डिप्लोमा में जो है आपके 60% होना चाहिए, और सेम कंडीशन यहाँ भी लागू होती है, 55% जो है वो SC ST को चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और एक्सपीरियंस की बात किया जाए, तो टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। देन पोस्ट कोड 4 की बात किया जाए, तो पोस्ट कोड 4 में जो है आपका ITI चाहिए 2 साल का, मतलब लेटर एंट्री कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें जो ट्रेड होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है इसमें जो है मांगा हुआ है फील्ड इन द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तो इन सब में जो है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। अब थोड़ा सा वेन्यू जान लेते हैं कि कहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा और रिटन टेस्ट होगा। तो जो इंटरव्यू होगा, जो प्लेस है उसका न्यू दिल्ली है, और रिटन टेस्ट का जो वेन्यू है, मतलब ये जो दोनों का इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट का वेन्यू है वो आपका ECIL जोनल ऑफिस, B7DDA लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ए ब्लॉक रिंग रोड नारायण, न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। और ये जो जितनी भी वैकेंसीज़ है मैंने बता दिया, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है उसमें 5 है, सारा चीज़ आप देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 12 है। बाकी रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बता दिया, अब बताता हूँ कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है या फिर आपको कैसे ये अटेंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.ecil.co.in पे जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको जो डेट दी गई है, जैसे 24 तारीख जो दी गई है वो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए दी गई है, तो वहाँ पे जाके जो वेन्यू मैंने आपको बताया उस वेन्यू पे जाके आप उस एप्लीकेशन के साथ और अपने डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। और बाकी जो अब दूसरी पोस्ट हैं तो उनके लिए जो है 25 तारीख को जो है रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट रखा गया है, इसमें जो है आपका इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है। तो ये जो है इसकी इन्फॉर्मेशन थी। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।